मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सीतापुर में 117 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी के ही एक सदस्य के यहां छापे में घर की दीवारों से पैसे की बरामदगी हो रही है। बुआ और बबुआ की सरकारों में यही होता था। जांच कामेश्वरनाथ धाम और नैमिष तीर्थ के विकास के लिए खर्च हो रहा है। 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे चला जाता था और आपके तीर्थ देखते रह जाते थे। मैंने तो विकास को बहुत नजदीक से देखा है। प्रदेश के अंदर अभी यहां पर कह रहे थे केंद्रीय शहरी मंत्री श्री कौशल किशोर जी एक बात कह रहे थे कि पिछली सरकार के समय में 5 वर्ष में 18,000 लोगों को केवल मात्र आवास सेंक्शन हुए थे पूरे प्रदेश में। और कौशल किशोर जी अकेले सीतापुर जनपद में आवास योजना में हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 2 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 7 लाख से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। ये है डबल इंजन की सरकार का लाभ। ये जो आवास पहले गरीब को ढूंढने से नहीं मिलते थे, ये पैसा कहां चला जाता था? शौचालय का पैसा पहले कहां चला जाता था? बिजली का पैसा कहां चला जाता था? भाइयों बहनों, मैंने तो आज तक देखा था और मैंने सुना था और पुराणों में भी धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात मैं मानता था, सुनता था, देखता था कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवानों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवानों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है।